स्टूडेंट्स तो आज आ गए हम आ आ गए गए हेलो स्टूडेंट्स तो आज आ गए, students, तो आ जा गए हैं। हम तुम्हारे न्यू वीडियो लेक्चर में ठीक है तो पहले तक की जो बात हमने कर ली थी क्या क्या कर लिया था ओम्स लॉ ओम्स लॉ के ग्राफ और रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा उसके नुमेरिकल्स करे और रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा उसके नुमेरिकल्स करे ठीक है और अब यहां से बिल्कुल ही अलग टॉपिक आ जाता है मतलब रिलेटेड तो है पर अलग टॉपिक आ जाता है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि एक बल्ब हो गया टीवी हो गया ये सब तुम्हारा रेसिस्टेंस में आता है तो हम इन चीजों को कनेक्ट कैसे करें हम इन चीजों को क्या करें कनेक्ट कैसे करें तो दो तरह का कनेक्शन होता है बच्चों एक होता है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पेलर कॉम्बिनेशन तो बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुमको लड़ियों का जो वेडिंग्स में लड़िया नहीं लगाते एक के बाद एक बल्ब लग रहा है एक के बाद एक बल्ब लग रहा है तो वो चीज़ तुम्हारी सीरीज कॉम्बिनेशन में आती है लेकिन तुम्हारे घर में बात करें तो तुम्हारे घर में जो फिटिंग करी जाती है ठीक है बिजली की जो फिटिंग करी जाती है बोर्ड में अलग अलग स्विचेस होते हैं ना तो अलग अलग तार जारी होती है सबकी तो उसमें क्या होता है पेलर कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है पेडलर कॉम्बिनेशन तो हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को एकदम आसानी से कैसे दिखा सकते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बच्चों सिंबल ऐसा बना सकते हो तुम एक जोड़ा ठीक है उसके एंड पे हमने एक और जोड़ा एक और बल्ब जोड़ दिया उसके एंड पे हमने एक और बल्ब जोड़ दिया ठीक है और ये बल्ब को बोल दो R1, इसको बोल दो R2, और इसको क्या बोल दो R3, दो भी लगा सकते हो दस भी लगा सकते हो कितने भी लगा दो? दो भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो तुम्हारे नूमेरिकल के ऊपर बेस है और थोड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें बता रहा हूँ अभी क्योंकि नूमेरिकल इसका बहुत महंगा है और नूमेरिकल बच्चों हर बोर्ड में आता है चाहे सी बी एस सी हो चाहे यू के हो चाहे एस सी एस सी हो इसका नूमेरिकल बच्चों फंसता ही फंसता है ठीक है और थ्री मार्क्स में आता है कितने मार्क्स में थ्री मार्क्स में माइंड में डाल लो ये बात ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ सीरीज़ का सीरीज़ का फार्मूला देखो एक साथ लगातार ऐड हो रहे हैं तो यहां पे सीरीज का फॉर्मूला हम ऐसे लगाते हैं आर एस एस शो कर रहा है सीरीज के लिए और यहां पे कर देते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है ऐसे ही दूसरे वाले के लिए बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला अगर यहां पे तीन थे तो मैंने ऐड कर दिया तो यहां पे दो है तो क्या बनेगा बताओ आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ठीक है ये बनेगा आपका फॉर्मूला कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें ठीक है और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है समझने के लिए कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो गया ऐसे मत करना ड्रामे अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा पेलर कॉम्बिनेशन पेलर में बच्चों क्या होता है पेलर में तुम्हारे पास जो तार होती है रेसिस्टेंस की तो रेसिस्टेंस उसी तार से कनेक्ट है जहाँ से वो आया है ऐसे एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और फिर एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ऐसे तो जब एक के ऊपर ऐसे एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं पैरेलल तो ये हो गया आर वन ये हो गया आर टू ये हो गया आर थ्री इसको पैलर कॉम्बिनेशन बोला जाता है और इसका फॉर्मूला देखो पैलर में ही होता है अपॉन में तो इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ठीक है तो अगर बढ़िया बच्चे हो ठीक है होशियार बच्चे हो तो एक चीज करके दिखाओ अगर मेरे पास ये दो रेसिस्टेंस है सेम तार से कनेक्ट हैं दो रेसिस्टेंस है ऐसे वाले डायग्राम बनाओ और इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ डायग्राम बनाओ और इसका फार्मूला लिख के दिखाओ क्या होगा फार्मूला तो माइंड में आना चाहिए बिल्कुल इसका फॉर्मूला होगा वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन कितने गिवन है दो गिवन है तो दो लगा देंगे वन अपॉन आर टू क्लियर तो जब तीन आएंगे तो तीन में अपॉन में डाल देना दो आएंगे तो दो में डाल देना दस आएंगे तो दस में डाल देना ठीक है तो क्लियर हो गया ये इतनी बात क्लियर है ठीक है आज तक का बहुत महंगा टॉपिक थ्री मार्क्स का थ्री मार्क्स में बिकेगा ये तो इसको करो इसको नोट डाउन करो फिर करते क्या है इसको डिराइव करते हैं अभी तक हमने कोई भी फार्मूला डिराइव करके नहीं निकाला सीधा डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाया लेकिन इसमें हम डेरीवेशन करते हैं और डेरीवेशन भी टू से थ्री मार्क्स का आता है ठीक है पहले हम ये फार्मूला का डेरीवेशन करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है फिर इस फार्मूले को डिराइव करेंगे ठीक है तरीका एक है तो मैं ये वाला डिराइव करके दिखाऊंगा और ये वाला तुम लोग होमवर्क में कर लोगे ठीक है हिंट दे दूंगा फिर मैं ये वाला डिराइव करके दिखाऊंगा दो वाला और ये वाला तो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा ठीक है तो क्वेश्चन रेडी करें इसका इसको नोट डाउन करो फिर क्वेश्चन रेडी करते हैं तो बच्चों इसको करते हैं ठीक है और क्वेश्चन है तुम्हारा और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है डिराइव रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज जब दो रेसिस्टेंट्स तुम्हारे सीरीज में कनेक्ट हो मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे कनेक्ट हो तो उसका फॉर्मूला हम निकालो और टू के लिए निकालने को बोला है थ्री के लिए आप खुद करोगे ठीक है और ये पेपर में बहुत बार आया है बहुत से भी बहुत बार ठीक है तो बिल्कुल माइंड में रखना ये चीज़ अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ तुमको क्योंकि यार वो डेरिवेशन में काम आएगी सबसे पहले ओम स्लो याद होनी चाहिए तुमको ओम स्लो याद होना बहुत ज़रूरी है तो ओम स्लो याद होगी तो ये बढ़िया तरीके से होगा तो ओम्स्लो क्या होती है हमारी ओम स्लो होती है वी बराबर आई आर एक तो ये पता होना चाहिए ठीक है बस इसी का इसी से काम चल जाएगा बस एक फार्मूला पता होना चाहिए ओम स्लो का वी इक्वल टू आई आर इसी से तुम्हारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा बच्चों ठीक है तो धीरे धीरे बात करते हैं ये मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा तो ध्यान से सुनना बस सुनना सुनने का काम होता है फिजिक्स में तो सबसे पहले हम दो रेसिस्टेंस बनाते हैं सीरीज में तो दो रेसिस्टेंस ऐसे बना दिए सीरीज में ये वाले ठीक है और इनको जोड़ दिया हमने बैटरी से इनको जोड़ दिया हमने बैटरी से और ये की हो गई और इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं नेगेटिव इसको मान लो R2 तो इसको मान लो R इसको मान लो R1 तो इसको मान लो R2 ठीक है कितना क्लियर है ओके तो बच्चों अब नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट ये करना है कि अब करंट फ्लो कराएंगे क्या फ्लो कराएंगे करंट तो बच्चों जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये हमने करंट फ्लो करा दिया आई करंट को आई से दिखाते हैं किससे दिखाते हैं आई से तो मुझे पता चला कि करंट जो है वो दोनों में सेम जाएगा आई इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा आई जाएगा दोनों में करंट क्या जाएगा सेम जाएगा ठीक है दोनों में करंट क्या जाएगा सेम और ये क्या होता है ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बैटरी तो यहाँ पे बच्चों हमें ये ध्यान रखना है देखो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले में आर था तो हाँ भैया आर है हमारे पास कितने आ रहे हैं दो आर हैं एक आर वन और एक आर टू ठीक है करंट है दोनों में सेम जा रहा है आई इसमें भी जा रहा है और आई इसमें भी जा रहा है ठीक है वी जो है बच्चों उसमें गौर करना जरा सीरीज में वोल्टेज अलग जाता है सीरीज में वोल्टेज क्या जाता है अलग जाता है तभी तुम्हारी जो वेडिंग जो लड़िया होती हैं किसी का बल्ब तेज जल रहा होता है किसी का बल्ब ज्यादा जा, जल रहा होता है क्योंकि कोई ज्यादा वोल्टेज ले लेता है कोई कम वोल्टेज लेता है तो दोनों में मतलब एक तरह से फाइटिंग हो जाती है दोनों बल्ब में या तीनों बल्ब में या हजारों बल्ब में ठीक है कोई लड़ी आपको क... ज्यादा तेज जलती हुई दिखेगी और कोई लड़ी का बल्ब आपको कम तेज जलता हुआ दिखेगा वो क्यों दिखता है वो दिखता है बच्चों वोल्टेज की वजह से किसकी वजह से वोल्टेज की वजह से तो यहां पे याद रखना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो तुम्हारा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टेंस में अलग जाएगा हर एक रेसिस्टेंस में क्या जाएगा अलग जाएगा तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे अलग जाएगा अब नाम बताओ तो नाम तो रखना पड़ेगा यहां पे तो हम बोल देते हैं कि R1 के अंदर जाएगा V1, R1 के अंदर क्या जाएगा V1, तो बता दो R2 के अंदर क्या जाएगा R2 के अंदर जाएगा V2, R2 के अंदर क्या जाएगा V2, क्लियर तो हमको इतना याद रखना है कि हाँ जी इतनी बात हो गई इतना हमें समझ में आता है कि जब हम करंट देंगे करंट सेम जाएगा वोल्टेज अलग जाएगा और रेसिस्टेंस हमारे पास दो हैं रेसिस्टेंस हमारे पास दो हैं तो अब करना क्या है पहला स्टेप पहला स्टेप यह है कि जो चीज अलग जा रही है उसकी इक्वेशन बनाओ जो चीज अलग जा रही है उसकी क्या बनाओ इक्वेशन बनाओ तो बच्चों यहां पे बताओ क्या चीज अलग है तो Ar हाँ, पर आर टू आर वन और आर टू के अंदर दो ऐसी चीजें जा रही हैं तो दो में से कौन अलग है और कौन सेम है तो सेम है आई करंट और अलग है पोटेंशियल डिफरेंस तो हम अलग वाले पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बनाएंगे क्या बनाएंगे इक्वेशन तो यहां पे हम लिखेंगे नो डैट विनो डैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट तो कितना डिफरेंट तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू यह बन गई तुम्हारी बच्चों ए इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम यहां से दे रहे हो वो दो पार्ट में टूट गया कितने पार्ट में V1 में और V2 में और प्लस का साइन लगा दिया और ए इक्वेशन मान ली क्या मान ली इक्वेशन ठीक है अब यहां पे लगाना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या इसमें लिख दो अप्लाई ओम्स लॉ अप्लाई ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ अप्लाई करें ओम्स लॉ क्या बोलती है V बराबर आई आर वी बराबर आई आर ठीक है तो V बराबर आई आर ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो सिमिलरली ऐसा हो सकता है देखो v बराबर आई आर तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को जब a में डालूंगा तो मैं इस v की जगह पे आई आर लिखूंगा v की वैल्यू क्या हो गई आई आर तो मैं आई आर यहां पर पुट कर दूंगा आई आर कहां पुट करूंगा यहां पे तो सिमिलरली कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए v1 के लिए भी कुछ ऐसी वैल्यू निकल जाए सिमिलरली ऐसा कुछ हो सकता है कि v2 के लिए कुछ ऐसी वैल्यू निकल जाए ठीक है तो यहां पे करते हैं सिमिलरली सिमिलरली फॉर v1 वन एंड वी क्या ऐसा हो सकता है कि v1 v2 के लिए वैल्यू निकल जाए तो चेक करते हैं v1 बताओ बच्चों v1 किसके अंदर जा रहे हैं r1 के अंदर कि r2 के अंदर v1 वन वोल्टेज वन किसके अंदर जा रहे है r1 के अंदर तो हमें पता चल गया r1 के अंदर जा रहे हैं और करंट तो सेम जा रहा है ना दोनों में करंट तो आई जा रहा है करंट तो बदला नहीं है तो करंट को हम आई से ही शो करेंगे तो देखो वी वन के लिए क्या बना आई आर वन क्या बना आई आर वन यह बनी तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन तो अब यहां से लॉजिक लग गया होगा कि वी टू के लिए क्या बनेगा तो बच्चों वी टू के लिए बनेगा आई और बताओ वी टू किसके अंदर आर टू के अंदर तो यह बनेगा आर टू यह बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन क्लियर हो गया यही था सारी की सारी चीजें V मिल गया आई आर वी वन मिल गया आई आर वन और वी टू मिल गया आई आर टू इन तीनों इक्वेशन को हम A में डालेंगे इन तीनों इक्वेशन को कहां डालेंगे A में तो यहां पे लिखते हैं पुटिंग पुटिंग फर्स्ट सेकंड, थर्ड इन A. पुटिंग फर्स्ट सेकंड, थर्ड इन A. बताओ A में डालेंगे तो V की जगह पे क्या लिखना है V बराबर क्या है आई आर तो वी की जगह पे क्या लिखना है आई आर वी वन की जगह पे क्या लिखना है वी वन की जगह पे लिखना है आई आर वन आई आर वन ठीक है और वी टू की जगह पे क्या लिखना है आई आर टू आई आर टू अब टेंथ के बच्चे हो तो कॉमन लेना आता होगा ठीक है तो कॉमन ले लेंगे आई यहां पर यह आ गया आई आर और यहां से आई कॉमन आ जाएगा और R1 और R2 को प्लस में एक साथ लिख देंगे आई ही क्या हो गया कैंसिल और यहां पे तुम्हारा सीरीज का ये फॉर्मूला बन गया R1 वन प्लस आर क्लियर ये चीज क्लियर हो गई ओके okay, ये चीज क्लियर है तो बस इस तरीके से हमको करना है डेरिवेशन कोई चीज कोई चीज डिफिकल्ट तो नहीं लगी होगी इजी है बस ये देखना है कि अलग क्या जा रहा है अलग जो जा रहा है उसकी इक्वेशन बनाई और ओम स्लो अप्लाई कर दी ओम्सलो की वैल्यू यहाँ पर डाल रही और सॉल्व कर दिया तो ऐसे ही अगर मैं तुमको दूँ होमवर्क के लिए जैसा कि मैंने बोला कि तुम्हें तीन करके लाने कितने करके लाने तीन करके लाने तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा डिराइव रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री टू की जगह पे क्या लिख दोगे बस थ्री थ्री रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज थ्री रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और इसको नोट डाउन कर लो तो मैं इसका डायग्राम मिटाता हूँ ठीक है और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन और ये हो गया थ्री तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ठीक है डायग्राम सेम बनेगा बस एक चीज बढ़ा देना ये बढ़ा दी ये लगा दी बैटरी ये लगा दी की ये हो गया आर वन ये हो गया आर टू हो गया आर थ्री करंट ऐसे फ्लो करा दोगे तो करंट क्या जाएगा प्लस माइनस करंट सेम जाएगा करंट क्या जाएगा सेम जाएगा अब बताओ इसके लिए वोल्टेज कितना जाएगा वी वन इसके लिए वोल्टेज कितना जाएगा वी टू इसके लिए वोल्टेज कितना जाएगा वी थ्री क्लियर ये बात क्लियर हो गई सारी चीज़ें वैसी होगी और वी वन वी टू वी थ्री अलग है ना तो अगर ये V1 V2 V3 अलग है तो यहाँ पे तुम्हारी तीन तीन वैल्यू बनेगी एक V1 एक V2 और दूसरी क्या बनेगी दूसरी बनेगी V3, दूसरी क्या बनेगी V3? ये इक्वेशन A बन जाएगी नीचे वो यो अप्लाई करोगे कि V बराबर आई आर है ठीक है तो V1 क्या होगा आई आर वन वी टू क्या होगा आई आर टू पुट कर दोगे और V3 क्या होगा आई आर थ्री वी थ्री क्या होगा आई आर थ्री तो यहां पर हो जाएगा V3 थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री ठीक है वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री ये हो गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन फोर्थ तो यहाँ पे लिख दो पुटिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन ए तो यहाँ पे तुम्हारा एक और ऐड हो जाएगा और ऐड होके ये कट जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी रेसिस्टेंस में आर थ्री सारा का सारा पैटर्न वही था बस एक रेसिस्टेंस बढ़ा दिया और एक वी यहाँ पे बढ़ाया एक इक्वेशन वहाँ पे बढ़ा दी और बस वहाँ पे एक आर थ्री गया ठीक है तो क्लियर हो गया ये ए, क्लियर हो गई ये बात कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैलर का ठीक है तो इसको अच्छे से कर लेना उसी में मत कर देना कहीं उधर ही मिटाने लग गए अलग से क्वेश्चन करना ये वाला थ्री वाला ठीक है तो अगला क्वेश्चन करते हैं पैलर वाला तो बच्चों ये है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन ओके थर्ड क्वेश्चन है डिराइव रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैलर जब पेलर की बात हो रही हो ठीक है अभी सीरीज सिखाया था तो अब मैं पेलर सिखाता हूं तो पेलर का डायग्राम कैसा बनेगा बताओ पेलर का डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा तो दो के लिए बनाने तो दो के लिए ऐसे बना दो ऐसे ठीक है और नीचे क्या कर दो बैटरी से कनेक्ट कर दो तो ये नीचे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये वी हो गया ये प्लस माइनस हो गया करंट हमारा फ्लो करेगा करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा तो ये हमारे घरों में होता है ये सिस्टम कहाँ होता है हमारे घरों में ये हो गया आर वन और ये क्या हो गया आर टू तो जब हमारे घरों में ये सिस्टम होता है तो ये बताओ कि हर एक जगह पर लिखा होता है हर एक एप्लीकेशन पर लिखा होता है टू ट्वेंटी वोल्ट टू ट्वेंटी वोल्ट टू ट्वेंटी वोल्ट ऐसे लिखा होता है क्यों लिखा होता है टू ट्वेंटी वोल्ट क्योंकि सब में वोल्टेज क्या जाएगा सेम सारे में चाहे पंखा हो चाहे कोई तुम्हारा बल्ब हो चाहे कुछ भी हो उसमें वोल्टेज क्या जाएगा सेम जाएगा उसके बाद वो एप्लीकेशन किस तरह का बिहेव कर रहा है वो उसकी मर्जी है हमारी कोई मर्जी नहीं है पर पेलर में ये पता चल गया हमें वोल्टेज सेम जाता है तो अलग क्या जाता है याद रखना सीरीज में करंट सेम जाता है वोल्टेज अलग और पैलर में वोल्टेज सेम जाता है और करंट अलग क्यों क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो तार आपकी स्प्लिट हो गई तार आपकी टूट गई तारा की दो भागों में बट गई करंट यहाँ पे आया और यहाँ पे करंट कन्फ्यूज हो गया कि भाई अब ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ तो करंट ने क्या बोला करंट ने बोला कि मैं दोनों तरफ जाता हूँ दोनों तरफ बट जाता हूँ तो यहाँ पर कौन बट गया करंट बढ़ गया कौन बढ़ गया करंट तो यहाँ पर इस करंट का नाम बोल दो आर के पास जा रहे हैं तो इस करंट का नाम बोल दो आई क्या बोल दो आई और इस वाले के पास जा रहे हैं तो इसको बोल दो I2 क्या बोल दो I2 और V सेम रहता है यहाँ पे भी V सेम रहेगा और यहाँ पे भी V क्या रहेगा सेम रहेगा तो क्लियर है इतना कोई दिक्कत नहीं है इतना क्लियर है ठीक है तो बताओ अब मैं इक्वेशन किसकी बनाऊं वी वाले की इक्वेशन की आई वाली की इक्वेशन कौन अलग है ये बताओ जो हमने अप्लाई करा उसमें से करंट अलग आया कि वोल्टेज अलग आया तो यहां पे हमें पता चला कि करंट अलग आया तो यहां पे हम करंट की इक्वेशन बनाएंगे तो वी नो डैट वी नो डैट i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हो गई मेरी ए इक्वेशन हो गई मेरी ए इक्वेशन ओके तो यहां पे हम बोलेंगे यहां पे हम लगाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ यूजिंग ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ का यूज करते हैं तो ओम्स लॉ यूज जब करेंगे तो क्या होगा बताओ ओम्स लॉ को जब यूज करेंगे तो क्या होगा तो ओम्स लॉ में करेंगे हम ये चीज v इक्वल टू आई आर ये हमें पता है बेसिक फॉर्मूला हमें यह पता है लेकिन हमें आई की वैल्यू निकालनी है हमें वी की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम आई को अकेला करेंगे तो आर डिवाइड होने के लिए नीचे आ जाएगा तो यह बन जाएगा i इज इक्वल टू वी अपॉन आर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ये बनी फर्स्ट इक्वेशन क्लियर v अपॉन आर बन जाएगा ठीक है अच्छा ऐसी सेकंड बताओ सेकंड क्या होगा अगर हम बोलें फॉर फॉर i1 एंड i2 टू आई वन और आई टू के लिए क्या होगा बच्चों बताओ आई वन के लिए क्या हो जाएगा आई वन वी तो सेम जा रहा है अब बताओ आई वन जा किसके अंदर है आई वन जा रहा है आर वन के अंदर तो ये हो जाएगा आर वन ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन क्या हो गई सेकंड इक्वेशन और इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनेगी आई टू की बताओ आई टू की क्या बनेगी आई टू की बनेगी आर वन के आर टू के अंदर जा रहे हैं और वी तो सेम है तो ये आर टू ये बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन तो आप सिंपल काम ये करना है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ए में डालना है तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग पुटिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन ए इन थर्ड इक्वेशन इन ए क्लियर तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ आई की जगह पे होगा वी अपॉन आर आई वन की जगह पे क्या होगा वी अपॉन आर वन आई टू की जगह पे क्या होगा V अपॉन आर टू तो ये हो जाएगा V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू बताओ क्या चीज़ अलग है क्या चीज़ सेम है तो अलग जो है वो रेसिस्टेंस है और सेम क्या है V तो V को हम बाहर निकाल देंगे ये बचेगा वन अपॉन आर वी को हटाएंगे तो ऊपर वन बच जाएगा यहाँ से भी वी को हटाएंगे तो आर वन के ऊपर वन बच वन बच जाएगा और यहां पे भी R2 ठीक है V से भी क्या हो गया कैंसिल और ये तुम्हारा बच्चों पैलर का क्या बन गया फॉर्मूला तुम्हारा पैलर का फॉर्मूला क्या हो गया डिराइव ओके okay. तो इजी था काफी इजी था है ना अब बच्चों नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये है कि तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन खुद करना है फोर्थ क्वेश्चन है इसको नोट करने के बाद डिराइव रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री टू की जगह पे क्या हो जाएगा थ्री थ्री रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैलर मतलब तुम एक और रेसिस्टेंस यहां पे ऐसे बना दोगे और उसके अंदर आई थ्री जाएगा क्या जाएगा आई थ्री तो जैसे कि अभी मैंने सिखाया आई वन आई टू आई टू के लिए वैल्यू बनाई तो वैसे एक वैल्यू किसके किसके लिए बनेगी आई थ्री के लिए वी अपॉन आई थ्री और वो यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे भी आई थ्री लिख देना और पुट करोगे कॉमन लोगे तो वन अपॉन आर थ्री तुम्हारा फॉर्मूला निकलेगा तीन रेसिस्टेंस का वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ये तुम्हारा फार्मूला निकल जाएगा ठीक है तो मैं खुद करवा देता पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ईजी है तो ये खुद कर सकते हो ठीक है इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इसको खुद कर सकते हो ओके okay, तो अब नेक्स्ट आगे करते हैं इसे आज मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आज बस यही बेसिक सा लेक्चर होगा और अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, ओके okay? तो एडवांटेज और डिस डिसएडवांटेज देखेंगे इसको नोट कर लो बच्चों तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट और बहुत बार पेपर में आता है डिसएडवांटेज सीरीज के आते हैं और ये बात है कि इसका कोई एडवांटेज भी नहीं है एडवांटेज बस ये हो सकता है कि भैया वेडिंग वेडिंग के लिए यूज होता है वो भी यूजेज में आ जाता है कि यूज़ किस में होता है तो असल में किसी भी बुक में देखोगे चाहे अरिहंत तो उठा लो चाहे लख्मी मंजीत कोई से भी रिफ्रेशर उठा लो उसमें हमेशा डिसएडवांटेज ही दिए होंगे सीरीज के एडवांटेज है ही नहीं मतलब ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं अगर एडवांटेज होता तो हमने घर में नहीं लगाते रेगुलर बेसिस पर ठीक है लगाते हैं तो कभी ना कभी फंक्शन पर लगाते हैं फिर उतार के रख देते हैं उसके कारण है क्या क्या कारण है वो देखो इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर एप्लीकेशन ऑल्सो स्टॉप वर्किंग इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लड़ी में एक बल्ब ने अगर जलना बंद कर दिया या कोई डिफेक्ट आ गया तो आगे के कुछ बल्ब खुद ही बंद हो जाते हैं अब ये बहुत ही पुरानी बात लिखी हुई है क्योंकि उस समय तो लड़ी एक ही तार से जलती थी ना लेकिन अब तो चाइनीज आ गई जिसमें तीन तीन तार है तो होता यह है कि अगर अब अब के टाइम पर अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो कुछ बल्ब नहीं जलते हैं बाकी जो अदर कनेक्शन होता है उससे जले हुए रहते हैं यह फ़ायदा आ चुका है उसकी कंपनी से जो भी ये तीन चार तार लगा देते हैं कि बल्ब में लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले तो सिंगल तार थी पहले एक सिंगल तार थी फिर बल्ब था फिर एक सिंगल तार थी फिर बल्ब था फिर एक सिंगल तार थी फिर बल्ब फिर सिंगल तार फिर बल्ब ठीक है तो अगर कोई बल्ब ख़राब हो जाता है तो यहाँ से सर्किट टूट जाता है तो अगर ये बल्ब ख़राब हो गया तो आगे के बल्ब नहीं जलते तो क्लियर होगी पहली बात दूसरी बात द एप्लाइंसेज डो नॉट गेट द सेम वोल्टेज यह बहुत ख़तरनाक बात है सब में लड़ाई चल रही होती है ख़तरनाक वाली लड़ाई कि भैया कि हमने कोशिश करी कि हम सबको 220 सौ वोल्टेज देंगे कितना देंगे 220 सौ वोल्टेज लेकिन इसने लड़ाई कर ली कि भाई मैं तो ले लूँगा डेढ़ सौ वोल्टेज ले लिया उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे भेजा उसने बहुत कम और फिर उसके बाद उसने ले लिया सौ ले लिया ठीक है यह तो ढाई हो गया तो मान लो इसने पचास ले लिया क्या ले लिया पचास और इसने बेचारे ने तीस ले लिया इसने बेचारे ने दस ले लिया ठीक है तो ठीक तो है ना टोटल टोटल तो ठीक नहीं है इसने दस ले लिया तो ये थोड़े डिम जलेंगे और ये थोड़े क्या जलेंगे ब्राइट जलेंगे ये थोड़े डिम जलेंगे ये थोड़े ब्राइट जलेंगे और ऐसा नहीं है कि ऐसी ही बस वैल्यू सेम रहेगी फिर ये क्या करता है ये लड़ाई करता है कि भाई तेरे पास पचास क्यों है पचास खेच लेता है दस ही सौ दे देता है वो बोलता है भाई डेढ़ क्यों है थोड़ा सा ले लेता है ऐसे तो हलचल हलचल उसमें चलती रहती है मतलब कोई ज़्यादा वोल्टेज लेता है कोई कम वोल्टेज लेता है ये चीज़ें चलती रहती है हम तो अपना साफ सीधा 220 दे देते हैं लेकिन उसके बाद वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि भाई मेरे पास इतना वोल्टेज दो मेरे पास इतना वोल्टेज दो ठीक है नेक्स्ट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस हैव ओनली वन स्विच एक ही स्विच होता है भाई ठीक है अब तुम्हारे उसमें बहुत सारे स्विच हैं ठीक है फ़ैन का अलग स्विच ये सब वो पैलर में आता है लेकिन जब भी तुम क्या बोलते हैं एक लड़ी लगाओगे तो उसका सिर्फ एक ही स्विच होगा होगा ठीक है उसी उसी से सारे के सारे उसी से सारे 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 के के बंद होंगे चलेंगे ऐसा नहीं होगा कि तुम आधी लड़ी जलाना चाहते हो आधी नहीं जलाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है बंद करोगे तो पूरी होगी ओपन करोगे तो पूरी ओपन होगी नेक्स्ट द ओवरऑल रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सी बी एस ई में बहुत बार पूछा जाता है सी बी एस ई में बहुत बार बहुत बार बहुत बार कितनी बार यार मुझे नहीं पता ठीक है पर बहुत बार तो यहाँ पे एक से को ख़त्म करता हूँ आई इनवर्सली प्रपोर्शनल रेसिस्टेंस आर बढ़ेगा तो आई क्या होगा घटेगा बस बात ख़त्म क्या है बात यहाँ पे लिखी हुई द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस इनक्रीजेज अगर हम टोटल रेसिस्टेंस लेना सीरीज का सीरीज का टोटल रेसिस्टेंस पता नहीं कितने जुड़ी हुई होंगी ढेर सारी होंगी जुड़ी हुई ठीक है इतनी सारी तो अगर इसकी कुछ वैल्यू ऐड करेंगे इसकी कुछ वैल्यू ऐड करेंगे इसकी कुछ वैल्यू ऐड करेंगे मान लो इसकी 50 है 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 तो 100 और 250 ओम आ गया इतनी रुकावट इतनी बड़ी रुकावट 250 ओम की तो ये 250 फिफ्टी ओम यहाँ डालूंगा तो करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज़ तो ये पेपर सी में आ चुका है क्वेश्चन कि सीरीज में करंट बढ़ता है कि घटता है तो तुम बोलोगे सीरीज़ में करंट घटता है क्योंकि सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड हो जाता है ठीक है ये तो पता होगा डायरेक्ट किसी भी नंबर को ऐड करोगे वो बड़ा ही तो आएगा ठीक है तो इसलिए सीरीज़ में आर बढ़ता है सीरीज़ में आर बढ़ता है और आई क्या होता है घटता है सीरीज में आर बढ़ता है और आई क्या होता है घटता है ओके क्लियर okay, हो गई बात तो ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए तो इसलिए इसको नोट डाउन करो फटाफट और हम करते हैं अब एडवांटेज ऑफ पेलर सर्किट पैलर के कोई डिसएडवांटेज है नहीं वैसे बस थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो डिसएडवांटेज में लेते भी नहीं है तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या पढ़ेंगे एडवांटेज किसके पढ़ेंगे पैरेलर सर्किट के पैरेलर तो यहां पे क्या है इसी को चेंज कर देते हैं इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लाइंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू डिफेक्ट देन ऑल द एप्लीकेशन then all the appliances are continuously working, continuously working. इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो दूसरी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता मान लो तुम्हारे कमरे में तुम्हारा बल्ब ख़राब हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि पंखे को कर दोगे तोड़ फोड़ दोगे पंखे को कुछ कर दोगे ऐसा तो नहीं है ठीक है तो अगर पंखा खराब हो गया तो ऐसा थोड़ा ना कि बल्ब को देखोगे चेक करोगे ऐसा भी नहीं है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक चीज़ अगर खराब हो जाती है बल्ब खराब हो गया तो उससे पंखे में रुकावट नहीं आती फ्रिज में रुकावट नहीं आती टीवी में रुकावट नहीं आती है टीवी खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें में रुकावट आ गई तो एक चीज़ खराब होती है तो दूसरी चीज क्या होती है चलती है नेक्स्ट द एप्लीकेशन डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज तो यहां पर लिख देंगे द एप्लीकेशन गेट द सेम वोल्टेज द एप्लाइंसेंस गेट द सेम वोल्टेज तो पेलर में जो चीज़ें होती हैं बच्चों उनमें सेम वोल्टेज जाता है क्या जाता है सेम वोल्टेज करंट अलग जाता है पर वोल्टेज क्या जाता है सेम जाता है नेक्स्ट ऑल एप्लीकेशन कैन हैव ओनली वन स्विच तो यहां पे लिखेंगे ऑल हैव हैव डिफरेंट स्विच स्विचेस। मतलब ऑल एप्लाइंस तो जब तुम बल्ब जलाते हो तो ऐसा तो ऐसा तो नहीं है कि पंखा चल जाता है ऐसा नहीं है बल्ब का अलग स्विच है पंखे का अलग स्विच है तो यहां पर जो भी पैलर में एप्लीकेशंस होती है उनका अलग अलग क्या होता है स्विच होता है द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द एप्लाइंसेज इज डिक्रीज इज डिक्रीज देन करंट फ्लो ऑफ द सर्किट इंक्रीज यहां पे बच्चों उल्टी बात है तो अगर मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन वाली चीज़ होगी अगर मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ये वाली चीज़ होगी ऐसी कॉम्बिनेशन वाली जो मैंने अभी सर्किट वर्किट समझाया था आपको तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री बताओ एल और डिवाइड करने पे बड़ी वैल्यू मिलती है कि छोटी वैल्यू मिलती है एल और डिवाइड करने पे हमें छोटी वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे आर क्या हो गया घट गया आर क्या हो गया घट गया तो करंट क्या हो गया बढ़ गया तो आपके पास ये केस आ सकता है फोर्थ केस स्पेशल अलग से ही कि आ, कौन से सीरीज़ में करंट बढ़ता है कौन से सीरीज में करंट घटता है तो सीरीज़ में जब तुम्हारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का उसमें करंट घटता है लेकिन पैलर में रेसिस्टेंस घटता है और करंट क्या होता है बढ़ता है ठीक है तो बच्चों ये तुम्हारा टॉपिक हो गया और इससे ज़्यादा अब कुछ है नहीं मुझे अब नूमेरिकल्स कराने हैं तो नुमेरिक नूमेरिकल्स के लिए रेडी रहना बिल्कुल और नूमेरिकल समझाऊंगा तुमको और क्या बात है और बात यह है कि नूमेरिकल की देखता हूँ कि कैसी बनेगी वीडियो तो पहले बेसिक नूमेरिकल करेंगे फिर बड़े नूमेरिकल करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी के लिए बस ये बेसिक सीख जाना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर ठीक है और पुरानी वीडियोस देखते रहो और ओम्स वो जरूर देख लेना ग्राफ वाला दोबारा से देख लेना क्योंकि ग्राफ में प्रैक्टिस करता रहो ग्राफ सीबीएसई लेवल में हमेशा आता है पेपर में ठीक है तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि नोमेरिकल वाली होगी सीरीज़ और पैलर की ओके थैंक यू